भाई दोनों बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। पापा आलू खबर देख रहे थे जब अचानक से मम्मी आलू आई और बोली, क्यों ना हम शुरू करें गोल गोल रोटी पहियों पर? कमाल की योजना है मम्मी। पापा आप क्या बोलते हो? हाँ क्यों नहीं, हम शुरू करेंगे। तो इसी प्रकार आलू परिवार ने नया कारोबार रोटी पहियों पर शुरू करने का निर्णय लिया और तुरंत तैयारी में लग गए। इसी बीच बैंगन आया और पूछा, हे टिंकू जरा मुझे दिखाओ ये रोटी कैसे बनाते हैं। पहले थोड़ा आटा लो, उसमें डालो नमक और घी, सबको एक कटोरी में अच्छे से मिला लो। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालो और जब तक ये मुलायम ना बन जाए इसको गूंदते रहना। हाँ फिर इस गूंदे हुए आटे को बाजू में रखना तकरीबन 25 मिनट तक। अब इस आटा को 10 से 12 गोल गोल हिस्सों में बांट लो। अब बेलन से इनको इस तरह बेलना जब तक ये गोल पतला चक्र जैसे बन जाए। अब तवे को करो गरम और दोनों तरफ से रोटी को अच्छे से पकाओ। गरम गरम गोल रोटी तैयार होकर बैंगन उसको खाकर बोला, मजेदार। इसी दौरान भिंडी भी उधर आ पहुंची और पूछने लगी, वैसे रोटी हमेशा गोल क्यों होती है, कोई और शक्ल क्यों नहीं? क्योंकि मम्मी की रोटी गोल गोल, रुपयों के पैसे गोल गोल, मम्मी की बिंदिया गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, भिंडी की छतरी भी गोल गोल। वाह वाह, तो इसीलिए रोटी गोल गोल।